तो गाइस स्वागत है आप लोगों का फार्मिंग सिमुलेटर के एक और नए एपिसोड में। और आज हम दबे एक और नए एपिसोड में जो भी हो, तो आज ये है अपना पेशा लुक। चश्मा नहीं बदला, कपड़ा टोपी ग्लाव सब कुछ बदल लिया, जूते ही बदल लिया, देखो नीली नीली जूते हैं। तो आज हम लोग बहुत सारी मस्त मस्त चीजें करने वाले हैं। चलो मैं दिखाता हूँ। तो अभी आ चुका है नवम्बर का महीना, और नवम्बर का महीना होता है हार्वेस्टिंग का महीना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी समय है इन सारे फसलों को हार्वेस्ट करने का। कॉर्न, सनफ्लावर्स, सोयाबीन्स, शुगर बीट, शुगर कैन, कॉटन, इन सारी चीजों का हार्वेस्ट करने का। तो आज के वीडियो में हम लोग हार्वेस्टिंग करने वाले हैं इनमें से किसी सब्जी को। उसमें से एक है पोटेटो, नहीं उनमें से एक है सोयाबीन्स, फिर है शुगर बीट और एक है कैरोट। तो आज हम इन तीन फसलों का हार्वेस्ट करने वाले। वैसे फसल हमारा नहीं है, फसल दूसरों का है, लेकिन हम इसको हार्वेस्ट करने वाले क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये देखो, ये रहे कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है $17,000 का, भाई साहब यहाँ पे हमें कैरोट्स हार्वेस्ट करने हैं। देखो ये जो लोग है ना, ये जो लोग है, ये महिला, ये हमें ऑफर कर रही थी अपना जो खेत है वो हार्वेस्ट करने के लिए। मतलब ऑफर कर रही थी कि इसका खेत हार्वेस्ट कर देंगे लेकिन इसकी मशीन से। लेकिन गाइस हम लोग हार्वेस्ट करेंगे हमारे खतरनाक मशीन से। अभी जितने भी तुम लोग मशीन देख रहे हो, सारे के सारे मशीन मैंने लीज पे लिए है। उनमें से ये ट्रक भी है वॉल्वो का। हाँ वॉल्वो का इतना बड़ा ट्रक जिसमें आएगा बहुत खतरनाक, मतलब बहुत सारा अनाज, जैसे सोयाबीन आ सकती इसके अंदर से। और मैं तुमको समझा देता हूँ, ये तो तुमको पता है कि ये किस काम में आएगा, ये वाला टेनर और ये ट्रक सामान लोड करने के लिए। और ये जो है ये सोयाबीन काटने के लिए है। एक मिनट, ये तो मैंने खरीद लिया। तो मशीन है यार, एक चीज नहीं खरीदी, मशीन तो खरीद ले। मशीन का सामने का डंडा नहीं खरीदे, रुक जाओ यार, डंडा खरीदना पड़ेगा भाई, डंडा नहीं खरीदे। ये हेडर से ही देखो, इनमें से इससे भी सोयाबीन काटा जा सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा पावरफुल वाला सोयाबीन। एक मिनट, जो मशीन खरीदे ना कॉम्बिनेशन वाले ही करेंगे। जैसे ये वाला मशीन खरीदा है मैंने, इसे सोयाबीन का, इसे कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। इसमें से बस इन चारों में ही लगेंगे। ये है 13 मीटर का, ये 9 मीटर, ये 9 मीटर, ये 12 मीटर। तो ये वाला लीज पे ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैरोट की फार्मिंग करेंगे, और इनमें से एक कैरोट का होता है। इसमें जो है इसमें शुगर बीट हार्वेस्ट होता है, ये बीज वाला मशीन में से। भाई जगह दे आदमी, जगह दे यार। कि मशीन को देखो एक बार, बाहर निकालता हूँ, रुक जाओ फिर दे। इसके चेन लगे हुए हैं यहाँ पे, चेन, और यहाँ पे देखो बड़े बड़े टायर, पीछे के टायर घूमते हैं इसकी, चेन नहीं घूमता, चेन बस आगे जाता है। इसको बस मशीन पे ऐसे लगाना होता है, और अंदर से भाई बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला, सामने के बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला मशीनरी है ये। देखो यहाँ पर चक्का है, यहाँ पर ये वाला मशीन, तो इससे हम काट सकते हैं। और कैसे काटेंगे हम बताएंगे। उसके लिए पहले हमको उस वाले खेत में जाना पड़ेगा, और दो तरीका है खेत में जाने के लिए, मैं चला के लेके जाऊँ यहाँ पे लोग को बोलूँ। सबसे पहले देखते है भाई इससे बेसिकली क्या काटेगा। कैरोट काटेगा, बीट काटेंगे, शुगर बीट का दो है। ये देखो ये भी शुगर बीट है, ये भी शुगर बीट है, और ये कैरोट है। कैरोट का दो लिया है, शुगर बीट का दो लिया है। तो शुगर बीट वाले खेत में भेज देते, तो फिर नंबर 51 ये पास में ही तो है भाई, अपना खेत है 52, और 51 में शुगर मतलब कैरोट उगे है, पास में ही है, तो दूसरों को क्यों तकलीफ दे भाई। इसका मुड़ने में थोड़ा ज्यादा ही मुड़ जाता है, तो इस वाले खेत में ये भाई मेरे को दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। इस वाले खेत में उगा है शुगर बीट भाई साहब। एक काम करेंगे, इसको लीज पे ले लेते, शुगर बीट काट देते, बेच मैं दूंगा, फिर मुझे $10,000 नहीं मिलेंगे। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ खरीदना ही नहीं है, मतलब सिर्फ काटना ही नहीं है, इसको फार्मर्स मार्केट पे जाके बेच के भी आना है। तो बस काटना शुरू करते हैं। चलो पहले इस शुगर बीट का ही देख लेते, थोड़ा बाएं से जाओ, ओके पीछे, अभी पीछे पीछे, ओके बढ़िया है, चलो हो गया भाई, और पीछे नहीं जाना, थोड़ा आगे बढ़ो। अब बस मशीन सीधा लाओ, थोड़ा और आगे, ओके पहले इसको अनफोल्ड करना पड़ेगा। वाह बहुत खूबसूरत तरीके से अनफोल्ड होता है। ओ भाई साहब इधर का भी अनलोड हो जाता है। अच्छा बीच में यहाँ पे कलेक्ट होता है, और ये जो जगह है इधर से बाहर आता है, वो ऐसे वो से पाइप आउट होता है, ये पाइप ही आउट होगा, और इसके अंदर भरे जाएंगे। तो मतलब इतना बड़ा जो मैंने कंटेनर खरीदा है ना, वो इसी काम में तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा छोटा वाला चाहिए। ओके नीचे उतार लिया, सेफ है, अब बस मशीन चलाना बाकी है ना भाई साहब। ओके भाई कट रहा है, ओके कट रहा है, वो कटने के बाद यहाँ पे कलेक्ट होता है। ओहो यहाँ से सीधा जाके मशीन को उधर के चला जाता है। एक लाइन बच चुका है, ओके बचने तो कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। कैरोट की इतनी बड़ी मशीन, ये मशीन बहुत ज्यादा महंगा है भाई, मैंने तो इसे बस लीज पे लिया है। ओके चलो बंदे के ऊपर छोड़ देते, बंदा काट देगा। एक मिनट रुक जाए यार, वैसे मैं बस मशीन दिखा रहा था, मैं ही बोलूंगा काटने को, लेकिन काटेंगे नहीं हम,
काटेगा आदमी, मैं क्यों काटू भाई, मशीन मेरा है, लेकिन काटने का काम इसका है, लेकिन इसको लेकर जाना तो मेरा ही है ना। इसने तो बस काट दिया है, ठीक है, इसने बस ये तो बस काटेगा, लेकिन इसको जाके बेचना भी तो है, वो तो मेरा काम है ना। लेकिन ये बहुत बड़ा वाला है भाई, मुझे लगता नहीं इसके अंदर कैरोट आएंगे, ट्राई करके देखो क्या, चलो एक बार ट्रक लेके जाता हूँ। मेरे को लगता नहीं भाई इसके अंदर, ये बहुत ऊंचा है, मैंने आई थिंक ये फालतू में ही खरीद लिया, इसके अंदर आएगा नहीं। मैंने सोचा बड़ा बड़ा काटेंगे, बड़ा बड़ा लेंगे। ये देखो भाई इधर साइड का बच चुका है 2-3 लाइन, कोई बात नहीं, मैं जब आखिरी में देख लेंगे। आदमी रुक जा थोड़ा, ए रुक जा, आई थिंक आ जाएगा है ना भाई थोड़ा। अच्छा इसको मुड़ लेन दो, ठीक है मैं उसको मुड़ लेन दो, मुड़ना बहुत कठिन है मेरे लिए, इसको मुड़ लेन दो फिर मैं देखता हूँ। मुड़ जा, ओके मुड़ गया, फिर मैं देखता हूँ। रुक जा, इधर का नहीं किया भाई, बच गया इधर भाई, रुक जा पहले देख लूँ ये इसके लिए सही है कि नहीं है। अगर इसके लिए सही होगा, हाँ भाई सही होगा, कोई बात नहीं, होगा। तो पाइप आउट करो, हो रहा है भाई, हो रहा है, खाली हो रहा है, उसे भर रहा है, होगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा, चल प्लीज। हो गया भाई, यार चालू करो भाई, तुम करो काम करो, मैं ट्रक लेके जाता हूँ, पीछे जा भाई। ओए ये आगे ले जा रहा था, ट्रक को थोड़ा साइड में रख दो, इसमें वो 10,000 लीटर हो भी गया, कोई बात नहीं, इसको जरा साइड में रखो, आई थिंक दो ट्रक लेता तो ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन रहने दो। चलो ये काम तो हो गया, यहाँ पर इसको काम पे लगा दिया, अभी बाकी है बीट रूट के लिए, नहीं कैरोट के लिए, या फिर बीट रूट, रुक जाओ यार, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है। हमने 51 वाला हो गया, अभी बाकी है कैरोट का। देखो कैरोट का जो मशीन है ना वो सुगर बीट में भी काम आएगा, मतलब कैरोट का मशीन ये जो देख रहे हो 4 छेद है इसमें, तो पहले वाले बहुत पहले जब एक काम किया था पिछले वाले वीडियो में, वहां पर भी एक मशीन हम लोगों को मिला था, उसको मैंने खुद लीज पे नहीं लिया था, जो कॉन्ट्रैक्टर था वो दिया था, ठीक है, उसमें बस ये डांडा वाला एक था, लेकिन इसमें 4 है, इसीलिए काम थोड़ा फास्ट होगा। ये मशीन भी बहुत खतरनाक है, देखने प्राय कुछ हद तक सेम ही है, सामने 4 पहिया, बस चीजें थोड़ी बदल दी गई है। आवाज सुन पा रहे हो भाई, आवाज ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। देख लेते कैरोट है कहाँ पर, इसमें कैरोट ही आएगा ना, पता नहीं क्या आएगा, लेकिन इसमें सारे के सारे वेजिटेबल आ जाएगा, मतलब कैरेट में आएगा। ये 48 वाले में है, 48 वाला कौन सा है, अच्छा इसमें है, ओ भाई सही, तो बहुत बड़ा वाला है, पास में ही है, मैं ही ले जाता हूँ भाई, सारे के सारे खेत पास में ही है भाई। खतरनाक आवाज आ रहा है अंदर से, देखो ओ भाई साहब अंदर से बहुत ज्यादा कैमरा लगे इसके अंदर, ये देखो, और यहाँ पे मशीन का सारा चीज दिखा रहा है भाई, मशीन कैसा है कैसा नहीं है, अंदर भी एक बहुत ही कैसा वाला एक आवाज आ रहा है, बहुत ही खतरनाक वाला। पहले एक बार में एक ही लाइन होता था, अभी एक बार में 4 लाइनें होगी, मतलब बहुत ही आसानी से कट जाएगा, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बताऊं यार, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्शन है इस वाले मशीन में। पहले तो यहाँ पे मशीन में ये नहीं है, पहिए है ना, मेरे को लगा चेन है, ये चेन नहीं है तो क्या है, अच्छा ये चेन नहीं है, पिछले वाले में चेन था, इसमें चेन नहीं है, कुछ और है, लेकिन चेन नहीं, चेन ही है आई थिंक, चेन है कि क्या है, चेन है क्या, ऐसा लग रहा है कि चेन है, सही से देखूं तो हाँ चेन है, लेकिन अलग, हाँ चेन ही है लेकिन थोड़ा अलग तरीके का चेन है। अभी मेरे को ठीक से देखना पड़ेगा, इसके 4 जो डंडे हैं ना, वो 4 डंडे एक ही बार में यहाँ पे घुसाना पड़ेगा। हो गया, अभी बस मशीन को अनफोल्ड करना है। इसके पास भी एक स्पेशल कंटेनर है जिसके अंदर जो कैरोट है वो होगा, भर्ती होगा। ओके बस टर्न ऑन कर दो, हो गया, इसको उतना ज्यादा नहीं है, हो रहा है क्या भर्ती, वाह एनिमेशन, वो उधर से कचरा फेंकता है, अच्छा कुछ खट्टा हो भी रहा है कि नहीं, कुछ दिखा नहीं रहा है भाई, ये खट्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा है, आई थिंक हो रहा है। अच्छा हार्वेस्ट सिक्वेंस ट्रेलर, ओके एक मिनट, इसके लिए एक ट्रेलर चाहिए, मैंने देखा नहीं भाई, इसके लिए एक ट्रेलर चाहिए भाई, थोड़ा सा सामान खराब हो गया है, वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, इसके लिए एक ट्रेलर चाहिए, इसको तो ले लिया, अभी ट्रेलर कहाँ से लू, ये देखिए 3 चीजें कलेक्ट कर सकती इसमें से, के लिए एक ट्रेलर चाहिए, लेकिन और वेजिटेबल टेक्नोलॉजी यहाँ पे है बहुत सारे, ये देखो इसमें से बस एक ही आएगा, लेकिन इस वाले मशीन से बहुत सारा आएगा, प्रीमियम वाला है ये, लेकिन इसके लिए चाहिए ट्रेलर, अभी इसके लिए कौन सा ट्रेलर ले भाई, इसके पीछे कोई ट्रेलर लगेगा क्या, पीछे तो कोई ट्रेलर का जगह ही नहीं है। हार्वेस्टर रिक्वेस्ट ट्रेलर टू ओवरलोड, अच्छा दिखा नहीं रहा है, एक मिनट, ये ना बहुत स्लोली काम कर रहा है, इसको थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इसका बहुत ही स्लोली काम कर रहा है, देख रहे हो, रुक जा यार, रुक जा, तू बहुत स्लो काम कर रहा है, इसका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा,
ओके 42 हो गया, अब स्पीड में काम करेगा ये बंदा। चलो शुरू हो जाओ, वो देख रहा अभी, देखो भाई स्पीड देखो अभी इसका, 80% फुल हो चुका है इसका टैंक। मेरे को भाई एक चीज देखना है, फिर मैं वो वाला काम भी शुरू कर दूंगा, बस एक चीज देखना है मेरे को। अरे यार इसका ट्रैक्टर यार, हाँ इसके अंदर भर तो रहा है, इतना ही भरा भाई, 1% ही भरा, क्योंकि 1% ही है, मतलब इसको ट्रेलर चाहिए। टैंक किधर है, वही तो मेरे को नहीं दिख रहा है भाई। स्टार्ट कर दो, अगर फसल बर्बाद भी हो जाए ना इसमें मेरा, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। शुरू करो भाई शुरू करो, एक मिनट इसको, ये काम नहीं कर रहा है भाई, मतलब मशीन काम कर रहा है लेकिन मशीन में वो काम नहीं, जो AI है मतलब जो हेल्पर है वो काम नहीं कर रहा है, मेरे को करना पड़ रहा है। ऐसे ये मशीन प्रीमियम का, इसमें लोड नहीं है क्या? अरे यार मशीन गलत डायरेक्शन पे जा रहा है। एक बार देखो कितना हुआ, इतना से इतना दूर जाके भी मशीन तो मैंने खतरनाक ले ली। और नहीं आया, आई थिंक इसके साथ साथ ही चलना पड़ेगा, ऐसी बात है क्या भाई? बोलो ये झूठ है, इतना होके बस 274 ले रहा, 2% नहीं हुआ बस। मेरे को लगता है ये फेंक दे रहा है, इतना ये जो काम कर रहे फेंक रहा है, मेरे को लग रहा है ये फेंक रहा है भाई। ये मशीन घटिया है, ये मशीन घटिया है भाई। यार मैंने सोचा इससे काम थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, ये एक ही है लेकिन ये तो बहुत घटिया है। ये मशीन भी, ये मशीन कुछ उस तरीके का ही है लेकिन ये काम का है यार, ये बहुत गलत बात है भाई। एक मशीन हमारा बेबस निकल गया। एक काम करता हूँ भाई, ये जो काम है ना उसको मैं छोड़ देता हूँ, फिर लेता हूँ ये जो काम है, थोड़ा सा ही पैसे कैरोट का जो है ना इसको मैं छोड़ देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। ये कुछ पैसे मांगेगा मेरे को पता है, पूरा मशीन कॉपर ठीक है हो जा, फिर से आएगा मेरे को पता है भाई। ये काम तो हुआ नहीं, शुगर बीट हाँ भाई हो जाएगा भाई, अभी तक नहीं आया अभी तक। कौन ये देखो फिर से आ गया, ये दे तो रहा है वही मशीन दे रहा है, मैंने जो खरीदा वही मशीन दे रहा है ये। और बोरो आइटम करके देखो तो, ओके बोरो आइटम कर लिया है, ये वही मशीन दे रहा है जो मेरे पास है लीज पर। लेकिन देखो इस मशीन के अंदर एक स्टोरेज है जो स्टोर करता है चीजें, ठीक है, जैसे अभी इतने इतना सा स्टोर किया अभी दे रहा है इसके अंदर। लेकिन ये सिर्फ शुगर बीट के लिए है, कैरोट के लिए नहीं है, रेड बीट के लिए भी नहीं, ये मशीन सिर्फ और सिर्फ शुगर बीट के लिए है। ये जो भर रहा है मशीन अपने अंदर, इसका भी एक कुछ लिखा हुआ आ रहा है कंटेनर टाइप का, हाँ भाई देख, लेकिन ये उस वाले मशीन के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वही मशीन है, इसका भी सेम प्रॉब्लम होगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, कुछ गलतियां है जो मेरे को सुधारनी है, क्योंकि अगर गलतियां नहीं सुधारी ना तो होने वाले वेजिटेबल टेक्नोलॉजी इसके अंदर जितनी भी मशीन है ना, जो कि ये वाली मशीन इसके अंदर दो, इसके अंदर एक है, ये बहुत स्लो है, इससे होगा नहीं। और वेजिटेबल टेक्नोलॉजी में सिर्फ ये वाला मशीन है जो एकदम घटिया है, प्रीमियम एक्सपेंशन का, इसके अंदर टैंक ही नहीं है। देखो 450 से वेरिएबल वाला है, 9 सिलेंडर का तेल, 25 किलोमीटर पर आवर वेट है, तीनों चीजें करता है लेकिन टैंक नहीं है। लेकिन इसके पास टैंक ही है, ये बीट टेक्नोलॉजी है, मैंने ये वाला लिया, इसके अंदर टैंक है, ये देखो इसके अंदर टैंक है, 33 मिलीलीटर का टैंक है, मिलीलीटर के ऊपर क्यूब बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई टैंक नहीं है, कहां पर है कोई टैंक नहीं है इसके अंदर। मतलब ये जब काम करेगा तो इसके साथ कोई रहना होगा, जो इसके जो यहां से फेंकेगा चीज उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। मेरे से थोड़ा सा इस गलती को सुधारना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं आता हूँ सुधार के, रुको। और एक चीज मैं तुमको दिखा भी दूं भाई, मोड कैसे इंस्टॉल करते हैं इसमें। पहले तुमको बैक आना है, ठीक है, फिर डाउनलोडेबल कॉन्टेक्ट में जाना है, यहाँ पे देखो बहुत सारे मोड हब है, इधर से नए नए मोड आते रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को जो है ना वो है वेजिटेबल वाला देखना पड़ेगा, यहाँ पे स्मॉल ट्रैक्टर, मीडियम, लार्ज ट्रक, हार्वेस्टर, शुगर कैन टेक्नोलॉजी, बीट टेक्नोलॉजी, पोटेटो टेक्नोलॉजी, वेजिटेबल टेक्नोलॉजी नहीं है ना, नहीं है तो है नहीं। अच्छा प्रीमियम एक्सपेंशन के अंदर आता है वो वाला ट्रक, वो खतरनाक वाला ट्रक, ये प्रीमियम एक्सपेंशन के अंदर, ये भी वही वाला मशीन है, कैपेसिटी 3300 लीटर, ये कुछ खास है, क्या क्या काम करते ये तो मेरे को नहीं। अच्छा ये बीट है, ये बीट टेक्नोलॉजी के अंदर, अच्छा ये बीट टेक्नोलॉजी, ये तो बीट टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, अच्छा बीट टेक्नोलॉजी के अंदर ही मैं देख रहा था। अच्छा इसमें जितने भी हो बीट के लिए है, कैरोट के लिए नहीं है। अच्छा इसमें है मल्टी फूड हार्वेस्ट, इसके अंदर बहुत सारे है, देखो इसको इंस्टॉल करता हूँ, बस इंस्टॉल करने के लिए एंटर दबाना होता है, ओके इंस्टॉल हो रहा है। ये एक और है मल्टी, नहीं यही ठीक है, नहीं ये आलू करेगा आई थिंक, हाँ ये आलू करेगा। वैसे यहाँ पे ऑल द काउंटे ऑल द पोटेटो एंड शुगर बीट हार्वेस्टर भाई, ये वो नहीं है जो मेरे को चाहिए ये वाला मल्टी हार्वेस्टर जो बीट रूट कैरोट सब कुछ करेगा, ठीक है। अभी इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे दिखाता है कितना कहाँ इंस्टॉल हुआ है डाउनलोड्स पे। चलो इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद बस ज्यादा कुछ नहीं कहता, कैरियर पे जाना है, अपनी गेम को देखना है। यहाँ पे सारे के सारे वो मोड्स है जो दिखाता है अभी, और जो मोड अभी मैंने आला है वो मोड भी यहीं पर ही होगा, बस ढूंढना पड़ेगा। ये देखो ये वाला है वो मस्किमी मैक्सटोन,
या फेंको यार, हर फालतू का मशीन, ये वाला है मशीन मल्टी हार्वेस्टर पे, अभी गेम स्टार्ट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना, ऐसे होते ही मोड स्टोन। ओके आ तो गए, ओके वो मशीन तो यहाँ पे है नहीं, ठीक नहीं है अभी भी, है देखो ये वाली मशीन, लेकिन ये वाली मशीन किसी काम की नहीं है भाई, इसको थोड़ा साइड हटा दो भाई, ये फालतू का मशीन है, और देखते हैं नया कोई मशीन आए कि नहीं। वेजिटेबल टेक्नोलॉजी में एक ही है, कहाँ है कहाँ फिर, यहाँ ये है क्या, ये है, ये रहा वो वाला मोड का भाई साहब, ये भी ये कुछ अलग है, ये सारी की सारी फसल हार्वेस्ट करता है, कैरोट्स रेड बीट नहीं, ये कैरोट नहीं, ये पानसिप है रेड बीट कैरोट भाई, सब कुछ करता है ये, ठीक है ठीक है। कैपेसिटी 60 के 60,000 का है, 1 मिलियन का कर देते, ठीक है। और इंजन सेटअप ये वाला ही करते है, ठीक है ये वाला मशीन, और मिचेलेन का बीकेटी का टायर लगाते हैं, और लाल है कुछ, कोई कमी नहीं है, ठीक है इसको करते लीज, लीज पे ले लिया। ओके पावरफुल मशीन इज हियर, लेट्स गो। ये पावरफुल होने के साथ इतना भाई, इतना स्पीड कैसे है इसके अंदर भाई, इसके अंदर तो जहर स्पीड है यार, 200 का स्पीड है भाई, ये क्या मशीन है मोड का, रुक जा आदमी रुक जा, इतनी भी स्पीड अच्छी नहीं है, ये क्या मोड बना दिया यार, इतना स्पीड कैसे है इसके अंदर। ये वाला नहीं, वो सामने वाला, फिर इसके काम चल रहा है, हट जा यार, इसके अंदर बहुत स्पीड। ओके ओके एक मिनट, इसका मुंह नहीं है, ये देखो इसका मुंह नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन है, अरे इसका कॉम्बिनेशन है भाई बहुत सारे, ये देखो भाई भर भर के कॉम्बिनेशन इसका, मैं कॉम्बिनेशन नहीं लाया यार। ये वाला खेत कौन सा है, कौन सा है, आई थिंक कैरोट का है, ये है 100 किलोमीटर पावर आवर चलने वाला कैरोट के लिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है, वो भाई मैंने कॉम्बिनेशन नहीं लाया, कैरोट उगाना है हमको, चलो कैरोट का तो हो गया, ये कैरोट ही है ना फसल, बोल दो ये कैरोट है, कैरोट ही है भाई, मैंने कॉम्बिनेशन नहीं लाया, मेरे को कॉम्बिनेशन लाने जाना, इस वाली गाड़ी से कॉम्बिनेशन लेने जाना भी कोई छोटा बहुत बड़ी काम नहीं है, कॉम्बिनेशन हो गया क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा, मेरे को नहीं लगा 200 का स्पीड है भाई इसके अंदर, मेरे मोटरसाइकिल अंदर 200 का स्पीड नहीं, इतना बड़ा मशीन के अंदर 200 का स्पीड, इतने ही टाइम में भाई 100 तक स्पीड चला गया इसका, ये रहा कॉम्बिनेशन। अच्छा इधर से नहीं लगता, सामने से लगता है, लग जा कॉम्बिनेशन, ओके लग गया। चलो भाई साहब क्या खतरनाक मशीन है, खतरनाक स्पीड है भाई इसके अंदर, अभी ये कैरोट काट सकता है, मैंने जो लीज पे लिया था ना ये खतरनाक वाला मशीन कहाँ गया, ये वाला वेजिटेबल फालतू मशीन, या चल बे फूट, कहाँ अटक गया भाई यार। हाँ गाड़ी को भी पलट दो यार, गाड़ी को भी पलट दो इसके, ये पेड़ के अंदर ऐसा लग रहा है पेड़ को काट दूं मैं, लेकिन पेड़ काट नहीं सकता। ओ भाई साहब ये ड्रिफ्ट मारता है, इतनी बड़ी मशीन ड्रिफ्ट, ये क्या है भाई, ये क्या है यार, इस पेड़ को काट नहीं सकता ना मैं, इस पेड़ को काट नहीं सकता मतलब, मगर अगर काट पाता तो अभी काट देता साले, हटिया पेड़, मेरा मशीन फंस गया यार, पीछे जा भाई पीछे जा, कुछ भी तो नहीं हुआ, इसके सारे पहिए घूमते, छोड़ो भाई इसको छोड़ो, ये पेड़ के साथ अटका, तू अटका कैसे, ये हट जा भाई उधर, हट जा उधर। ओके हट तो गया, अभी ये उल्ट खड़ा हो गया, इसको लेटाना पड़ेगा भाई साहब, अगर तू खड़ा हो गए मुश्किल है, लेटना पड़ेगा भाई, लेट जा उधर, चल लेट जा अभी, लेट जा भाई लेट जा। ओके हो गया भाई, ओके अभी सही है, खंबा उखड़ गया उधर का, ये तूफान की तरह काम करेगा, तूफान की तरह, अब ये गाड़ी ना अटक जाए भाई उधर, लग तो रहा है ये गाड़ी अटकेगी अब, ये छोटा सा जगह है, इधर छोटा सा एक पुल लगा हुआ है बस, और कुछ नहीं है, अटक जा बे अटक जा ओके अटक गया, अरे अभी पोल है इधर, अरे भाई साहब ये गाड़ी इधर से सही से जा ही नहीं भी सकती। ओके हो गया मशीन भाई, हो गया ओके, अभी बस इसको अनफोल्ड करना है पहले, इसका बाहर वाला डंडा, ओ भाई सारी के सारी चीजें लाल है भाई इधर के, इसके इसको नीचे उतारना पड़ेगा, आई थिंक नीचे उतारना होगा, ओके नीचे उतर गए, एकदम पूरा एकदम परफेक्ट सेट हुआ है, थोड़ा पीछे जाएगा बस, अब बस मशीन को चालू कर लिया है, थोड़ा आगे बढ़ो, कट रहा है। ओ भाई साहब मैं नहीं काट सकता यार, मैं काटूंगा तो अच्छा नहीं होगा, कि मैक्स वर्किंग स्पीड 100 है, लेट्स गो। ओ भाई साहब तूफान कट रहा है भाई, धुआं उड़ रहा है पीछे इतना फास्ट, गाड़ी आगे किसी और दुकान पे कल चला जाएगा, भाई साहब क्या जहर काट रहा है भाई, ये कुछ ही पल में खत्म हो जाएगा, ये मतलब मशीन नहीं ये काटना, जल्दी तो काट रहा है, इसके अंदर 1 मिलियन का कैपेसिटी है भाई, बस 1,16,000, 1,16,000 नहीं उससे भी ज्यादा, भाई साहब ये जहर मोड है भाई, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया भाई ये वाला, मेरा वो वाला मशीन किधर है, टेक्टूम गाड़ी के पास इसे लेकर जाता हूँ भाई, चल के नहीं जा सकता भाई,
चलना मेरे लिए सही नहीं है, चलना नहीं होगा मेरे से। अच्छा 50 यहाँ पर काम हो रहा है भाई, इधर को काम कहाँ पर हो रहा है? इस वाला खेत में तो ये है। अच्छा यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर तो ये काम कर रहा है आई थिंक इस वाले खेत में। और एक काम हो रहा था ना वो किधर हो रहा है? अच्छा ये वाले खेत में। ये मशीन कहाँ चला गया भाई? अरे वो मशीन भी गायब हो गया। अरे यार मशीन गायब हो गया। अरे भाई साहब मशीन गायब हो गया यार, मशीन गायब हो गया यार। पर क्यों मशीन क्यों गायब हो गया? आई थिंक मैंने मोड हटा दिया ना इसलिए मशीन गायब हो गया। अभी इसका क्या होगा? 10,000 वाले क्या को 30% तो शुगर बीट काट गया। अभी क्या होगा भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर था आखिरी का वो, अच्छा वो वाला मशीन चला गया। मेरे को ये वाला मशीन फिर से लीज पे लेना पड़ेगा एक और। मेरे पैसे फिर से जाएंगे, कोई बात नहीं जाने दो। इसके साथ कॉम्बिनेशन आता है ना, कॉम्बिनेशन में मेरे को काटना है आज। वो कैरेट था ना, दूसरा क्या था? शुगर बीट ना, हाँ ये वाला। यार मोड हटा दिया इसीलिए ये भी चला गया। काम कर तो कॉन्ट्रैक्ट को, ये इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को शुगर बीट को कैंसिल कर देता हूँ। कितने पैसे भाई? 36,000 आए हैं। $30,000 ले लिए इसने। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत पैसे है भाई। 10,000 ये देखो फिर से आ गया, मैं फिर से लूंगा। आज नुकसान पे नुकसान हुए जा रहे हैं भाई। सिर्फ वो भाई मेरा गाड़ी यार, मेरा वो कहाँ गया? मैंने इधर वो मंगाया था ना, वो कहाँ गया? उस कॉम्बिनेशन का वो भी मुंह भी तो मंगाया था, मुंह कहाँ गया इसका? कॉम्बिनेशन का मुंह कहाँ गया भाई? अच्छा तब वो नहीं आया था, मैंने ख्याल नहीं किया तब वो नहीं आया था। चलो कोई बात नहीं, इसको भी लगा देते काम पे। यही वाला खेत है ना शुगर बीट का? यही वाला है ना? हाँ यही वाला, इसको खोदना है। अरे इसका स्पीड नहीं है, उस वाले का स्पीड था, वो मैंने थोड़ा ज्यादा पैसे दे खरीदा था। इसका स्पीड नहीं है, इसका मेरे को वो करना चाहिए था। छोड़ो जो मिला है उससे ही काम करवाता हूँ। चालू करो। अच्छा पहले इसको मशीन को भी अनफोल्ड करना पड़ेगा, इधर से इसको चालू करना पड़ेगा। चालू हो गया, फिर भी इसका मैक्स वर्किंग फिर 100 दिखा रहा है। कोई बात नहीं काम करो। हाँ शुगर बीट अंदर ले रहा है, चलो बढ़िया है। इसका स्पीड थोड़ा स्लो है, ये उतना नहीं ले पाएगा अपने अंदर जितना वो वाला मशीन लेता था। का तो बस थोड़ा सा होते इसका काम तमाम हो रहा है। ये दो खेत का काम तो आसान से हो रहा है, ठीक है। एक और चीज मैंने हार्वेस्ट करने के लिए लिया था, ये कर रहा है भाई। और इधर का कैसा चल रहा है? ओ भाई आधा हो भी गया, इसकी इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से हो रहा है भाई। एक मिनट रुक जाओ भाई, क्या कर रहा है भाई? ये इतना स्पीड से भगा रहा है भाई साहब, ये तबाही ला रहा है तबाही। इसके अंदर कितना भरा? 1,80,000, ठीक है 1,80,000 लीटर। इसके अंदर 1 मिलियन का स्टोरेज है भाई इसके अंदर। भाई साहब क्या जहर तो भाई, हो भाई ब्रेक नहीं मार पा रहा, इसको यहीं पर रुकना चाहिए लेकिन ये रुक रहा है क्या? बहुत दूर आगे आके भाई ये मुड़ नहीं पा रहा। और ले जा रहा हूँ, चिंता की बात नहीं, मैं इसको ले। अरे पीछे जा। ओके अभी बारी है इसकी, इसको भी भेजना पड़ेगा भाई। ए चल भाई अंदर आ जा। अरे बिठा मेरे को भाई, ओ बिठा। ये कौन बॉन बहुत कुछ काट सकता है, इसके लिए इसको स्पेशल बुलाया है। इसका स्पीड नहीं है ज्यादा, 15 का स्पीड है। वैसे भी इतना इन जैसे गाड़ियों का ज्यादा स्पीड नहीं होता। ओके चलो इसको ऐसे ही दौड़वा लेंगे। मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट लिया है जो कि एक कॉर्न का, आई थिंक कॉर्न का ना। ये रहा कैरेट तो होगा भाई, शुगर बीट हो रहा है, सोयाबीन्स। हाँ सोयाबीन्स के लिए मैंने ये लिया। इसका भी एक मुंह है ना? अरे हाँ इसका भी एक मुंह है, जो मुंह मैंने लिया ही नहीं। हार्वेस्टर, ये वाला हार्वेस्टर लिया है मैंने। इसका मुंह चाहिए। कॉम्बिनेशन डालो भाई, ये वाला सनफ्लावर के लिए, ये वाला सोयाबीन वोबिन सब कुछ ले सकते। चलो इसको लीज पे ले। कहाँ है आया, कहाँ है? अच्छा जगह नहीं है यार, जगह नहीं है। जगह बहुत सारे सामान है यहाँ पे, जगह नहीं। इसका आई थिंक दो चीजें आएगी। इस हार्वेस्टर का जो कॉम्बिनेशन है उसका आई थिंक दो चीजें आएगी, ये वाला ऐसा लग रहा है मेरे को। या फिर एक ही आए भाई, एक आना ही मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि ये बहुत बड़ा है भाई ये। और इसको वहां तक लेके जाना तो और मुश्किल है। ये लगा तो दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है बहुत आसानी से, लेकिन यहाँ इसको ये 15 स्पीड के साथ वहां पे लेके जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हर जगह पे अटकेगा भाई। कितने नंबर पे है ये? 55। अच्छा यहाँ ये यू भाई साहब, ये बहुत बड़ा है। अच्छा पीछे है, उधर ले जाना तो बहुत मुश्किल है। मेरे को सबसे पहले इन दोनों को हटाना पड़ेगा। हट जा भाई, इसका भी 15 का स्पीड है। आई होप ये जा पाए इधर से। कहाँ लटका, कहाँ अटका? ओ भाई साहब अटका भाई अटका।
वो मेरे को लगा तो अटकेगा भाई, अटकेगा, ये नहीं जा पाएगा, अटका अटका अटका, अरे अटका भाई यार। सो करो रीसेट, ये भी अटका, इसको भी करो रीसेट यार, कुछ है नहीं क्या यहाँ पे, ये नहीं जाएगा भाई उधर, हालत में नहीं जाएगा, कहीं से भी जाने की कोई रास्ता नहीं है। एक तरीका है इसको ले जाने का, ये इसके कॉम्बिनेशन में, ये इसको ले जाने का एक तरीका तो है, रुक जाओ मैं तरीका लेके आता हूँ, या फिर किसी जुगाड़ से इसको लेके जाओ क्या उधर, अरे बैठा ले भाई मेरे को। अच्छा एक काम हो सकता है, इसको नीचे उतारो, हमको जुगाड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा इससे, अगर जुगाड़ हो जाए तो, मेरे को लगता नहीं कि जुगाड़ होगा, इसका मुंह बड़ा करो, इसका जो है ना वो थोड़ा बड़ा हो यार, ऊपर उठा भाई, ऊपर उठा भाई, अच्छा ऐसे ऊपर उठाता है, ऊपर उठा, पकड़ नहीं पा रहा है इसको, पकड़ भाई इसको पकड़, नहीं इसको ऊपर उठा नहीं पाएगा, तो बहुत बड़ी वाली मुश्किल आ चुकी है भाई। ओह यार भाई क्या मुश्किल है ये, इसको ले ओ कैसे जाओ उधर, इधर से तो बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता भाई, बहुत बड़ा है, रास्ते से तो होगा ही नहीं, रास्ते में बहुत सारा पेड़ है भाई यार, ये पूरा जगह ही छोटा छोटा है। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। ओ भाई साहब, ओए गाड़ी यार हटो गाड़ी, डंडा वंडा सब कुछ लेके जा रहे हैं भाई, ये इसको पलटा दिया भाई। ओके डाए जाओ, ओके फिर पीछे हो, डाए जाओ, ओके थोड़ा पीछे हो, डाए जाओ, गाड़ी बाय जा, हो गया भाई, हो गया, अभी जाएगा, ओ भाई साहब जुगाड़ जिंदाबाद, हो गया भाई, यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पर उगाए ना सोयाबीन, ओके रेडी टू हार्वेस्ट कर दो भाई इसको जल्दी, जुगाड़ जिंदाबाद गाइस। अरे पीछे जाबे ना बड़ा, अरे पीछे ना होकर कहीं दूर भगवान के पास होता तो भाई हालत खराब हो जाती, बड़ी चीजों को खरीदने के लिए पैसे तो है लेकिन इस छोटी सी जगह पे इसको चलाने के लिए पैसे नहीं है भाई साहब, ये बहुत खतरनाक तरीके से खुल रहा है यार। हो गया सब कुछ, चालू करो आगे बढ़ाओ, कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, आगे कट रहा है और दिख भी रहा है मेरा मोटरसाइकिल यहाँ पर है। कंप्लीट हो गया क्या, ओ भाई साहब कंप्लीट हो गया भाई इसका, वेरी गुड ब्रदर वेरी गुड। इसके अंदर है क्या वैसे, इसके अंदर है क्या अभी, बस इतना सा ही भरा है, वो डंडा किधर है, और ये अच्छा इसका पूरा भर चुका है भाई इसका शुगर बीट का। ओके रुक जा यार मैं देखता हूँ मेरा बाइक इधर है, लेकिन मेरा वो वाला किधर है, मेरा वो कहाँ है, ये वाला ट्रैक्टर तो ये है, वो कहाँ है वो, अच्छा ये रहा ये भाई खेत के अंदर घुसा दी, खेत बहुत बड़ा है, ये सारे के खेत बहुत ज्यादा बड़े है। इसका तो हो गया काम खत्म, ठीक है इसको मैं भेज सकता हूँ एक और जगह, एक और मैं कैरोट का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, एक ही बार में सारा कॉन्ट्रैक्ट निपटा देंगे, कैरोट का कॉन्ट्रैक्ट, ये शुगर बीट कैरोट, हाँ इधर 80% हो गए, एक और कैरोट का था इधर, वो भाई साहब फील्ड नंबर 69 ब्रदर, कौन सा है फील्ड नंबर 69, फील्ड नंबर 59 57 तो ये है, 69 कौन सा है, इधर है 69 तो ऊपर है, मार्क नहीं हो सकता, अच्छा यहाँ पे दिख रहा है मैप पे, उधर है 69, लेट्स गो, देखो अभी 200 तक स्पीड पहुंच पाता है कि नहीं देखता हूँ, रुक जाओ भाई, 100 तक तो यहाँ पे आ गया, ये 100-200 पहुंचने से पहले ही भाई फील आ जाएगा, आ जाया क्या, आ भी गया, ये देखो फील आ गया, मेरा 69 नंबर खेत, इसको भी बोल रहा हूँ यार, इसको भी हार्वेस्ट कर देते हैं, ये दोनों खेतों का मिला के जितना भी होगा ना कैरोट, ये सारे कैरोट एक ही बार में हम लोग बेच सकते हैं। एक मिनट, दोनों एक चीज मेरे को देखना पड़ेगा, दोनों क्या एक जगह पर बेच, ये बोल रहा है कि नहीं, ये बोल रहा है प्रिजर्व फूड फैक्ट्री में डालना है, और पिछले वाला का जो कैरोट था वो सूप फैक्ट्री में डालना था, ठीक है ये हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है हम इसको नहीं खेद सकते, हमको पहले सूप फैक्ट्री जाना पड़ेगा, ठीक है सूप फैक्ट्री वो किधर है, सूप फैक्ट्री कौन सा है, ये प्रिजर्व फूड नहीं, एनिमल डीलर बेकरी सुपर मार्केट, इधर को नहीं आ सकते भाई, इधर आने से पहले मेरे को वो करना पड़ेगा, रुक जाओ यार मैं काम करता हूँ, मैं एक और वो करता हूँ, एक और ट्रेलर खरीदता हूँ, बहुत बड़ा वाला, भयंकर बड़ा वाला, ये वाला एक और खरीद लेता हूँ, लीज पे लेता हूँ, मतलब कि इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक ट्रक भी ले लेता हूँ, जो कि है वाला थोड़ा कम पावर का हो रहा है भाई, ये वाला 1,37,000 का, हाँ ये वाला ले लेता हूँ, चलो ओके इसका
कलर ब्लैक है। मैंने वही चीज गलती की भाई, इतने सारे मशीन्स ले ली, इतने सारे काम ले लिए, लेकिन ट्रेलर कितने लिए? बस एक ट्रेलर से काम नहीं होता भाई, बहुत सारे ट्रेलर चाहिए होता है। इससे क्या फिर से भर्ती हो गया? एक मिनट, अरे इसका 100% हो गया भाई, ये किसका है पता नहीं 100% हो गया, शुगर बीट का है भाई, बहुत सारा काम ले लिया यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। 51 नंबर खेत का, 51 नंबर खेत किसका है भाई? इसका है शुगर बीट, इसको कहाँ बेचना है? फार्मर मार्केट पे बेचना है, लेट्स गो टू फार्मर मार्केट। इसका वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है भाई, देख के लग रहा है भाई बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। ये है फार्मर्स मार्केट, इसको कर, लेट्स गो टू फार्मा भाई। वॉल्वो का ट्रक बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये है ना, सही जा रहे है क्या? नहीं सही नहीं जा रहा, मैं गलत जा रहा हूँ, इधर है, पीछे है। अरे इधर नहीं भाई, क्या हो रहा है? सही से चलाओ गाड़ी, गाड़ी के अंदर एकदम भी आवाज नहीं है भाई, बहुत ज्यादा शांत है गाड़ी। भाई इसका काम हो गया कम्प्लीट? नहीं अभी, वो भाई साहब बहुत बड़ा है, इधर का आधा का हो गया भाई, देखो आधा हो गया और आधा बाकी। अगर इतना बड़ा नहीं लेता ना तो काम भी नहीं होता। उधर है फार्मर्स मार्केट, ओके अब इसके अंदर डालना। ओ भाई यार, ओ रुक जाओ, अब ओवरलोडिंग करो भाई, इतना बड़ा ट्रक, इतना पैसा, जितना भी पैसा मिलेगा ना मेरे को नहीं मिला है, उस बंदे को मिलेगा जिसका खेत है। 40% ट्रांसपोर्ट एक ही बार में, मतलब दो बार जब आऊंगा तब 20% ट्रांसपोर्ट होगा। कि जब मैं इधर आ चुका हूँ तब मैं काम करता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? वो 69 वाले बहुत दूर है। अभी भी ये इस खेत का इतना तक बाकी है भाई, बहुत बड़ा काम है भाई, ये आदमी कर रहा है बीच बीच में, ये सारी चीज छोड़ रहा है। इसका पता नहीं क्या, वो अटक क्यों गया है? आई थिंक इसका फिर से भर गया है भाई, डालो डालो, भर गया तो डालो भाई, पूरा कंप्लीट, फिर से बेच के आना पड़ेगा। ओ भाई साहब, अभी फिर से बेच के आओ भाई, गाड़ी उलट, गाड़ी जंप कर रहा है बदर। ओके दूसरी बार शुगर बीट 51 नंबर खेत के लिए, आ जाओ भाई वन लोड करो। मेरे को कितना मिलेगा पैसा यहाँ से शुगर बीट का? 10,000 मिलेगा, ये तो करोड़ों कमा रहा है, आई थिंक लाखों कमा रहा है, लाखों। मेरे को 10,000 दे के बंदा लाखों कमा रहा है, 81% ट्रांसपोर्ट हो चुका है। सोचो एक बार, अगर मैं ये बड़ी बड़ी ट्रक नहीं खरीदता या फिर लीज पे नहीं लेता तो इतनी बड़ी बड़े काम जन्मों जन्मांतर लग जाते कंप्लीट होने में। ये तो गाड़ी उल्टाएगा भी, ओ हो जर वजन नहीं इसीलिए सही से नहीं उल्टाया, वो फटाफट काम कर रहा है। ठीक है मेरे को अभी 69 पे जाना है, खेत नंबर 69 इधर है। ओके आ गया भाई 69 नंबर खेत पे, और बस इसके अंदर से सामान नीचे उतारना है और बस इसको जाके बेच के आना है। भाई यार थोड़ा धीरे चलाओ यार गाड़ी। ओके इसको लगाओ, फिर इस वाले के अंदर घुसो, फिर इसका वो दबाओ, ये ट्रंक बाहर जाने के लिए आ रहा है, भर्ती हो रहा है। ओए इसकी भैंस की टैट यार, हो भी गया भाई, कितना? 59,400 लीटर। बेचना कहाँ है मेरे को? मैं सोचे एक ही बार में आ जाएगा। किसका है भाई? है क्या ये कैरोट है ना? कैरोट किसका है? कैरोट 84 का। ये कह रहा है सूप फैक्ट्री में दे के आना है। सूप फैक्ट्री किधर है? ये है सूप फैक्ट्री, इधर करो टैग। किधर है सूप फैक्ट्री? उधर है। कुछ मेरे को मिलेगा क्या? मैं बस इसी आशा में हूँ कि इतना बड़ा जो 59,400 लीटर का जो भरा है ना यहाँ से, मेरे को भी कुछ मिलेगा, मिलना चाहिए भाई, मैंने काम किया है भाई तुम लोगों का। अरे यार ये नदी पार नहीं हो रहा है इससे, इन लोगों से नदी भी नहीं है भाई, क्या हुआ रास्ता है भाई, पार हो जा बे। चार सारे के सारे टायर घूम रहे हैं भाई, नहीं आई थिंक पीछे के चार, फोर व्हीलर ड्राइव है, नहीं सामने के भी घूम रहे हैं, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है भाई कौन सा घूम रहा है कौन सा खींच रहा है। 90 का स्पीड है भाई, 62-63 पे आके खत्म भाई इसका। इसका और राइट में भी है क्या? केंडो, स्लाइडिंग फ्लोर, बैक, बहुत सारे है। इसका फिर से भर्ती हो गया भाई, रुक जाओ, आके देखता हूँ। इसका थोड़ा सा काम करते ही भाई सब फुल हो जाता है, और दो तीन लोग होते तो बढ़िया रहते। इसका सूप फैक्ट्री भाई बहुत दूर है, वो देखो भाई बहुत ज्यादा दूर है भाई इसका सूप फैक्ट्री। यहाँ पे सारे कॉटन लगे हुए, कॉटन की भी हम लोग खेती करेंगे लेकिन अलग दिन, आज नहीं। ओ भाई साहब यार, नहीं, ये क्या है? गई भैंस पानी में भाई, गई भैंस पानी में चली गई भाई भैंस, और क्या, कुछ नहीं कर सकते। ये बस उल्टा हुआ है, थोड़ी सी गलती और मेरा वो वाला ट्रक गया उलट, तरीके से उल्टा है ये चीज। अगर सीधा हो भी जाए ना तो मेरे इस ट्रक को लेकर सीधा होगा, सीधा ही है। सीधा ना भी हो तो भी एक जुगाड़ से करना पड़ेगा भाई। ये देखो, ये अगर मैं इसको थोड़ा हिला हूँ ना, ये हिल रहा है, मैं पीछे से धक्का देता हूँ, अगर सीधा हो जाए तो किस्मत। जा भाई सीधा हो जा, हो जा, हो जा, हो गया।
हो गया वैसे। अरे यार ओ इसकी भैंस की टेंट यार, एक मुश्किल गई तो दूसरी आ गई। ओ भाई मैं मूत के आता हूँ यार। फिर से इसको रीसेट किया और ये फिर से यहाँ पे आ गया। अभी ये ट्रेलर के अंदर चला जाएगा भाई। बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा झमेला था भाई, हिसाब उल्टा। ओके चलो अभी ये बिक जाएगा, उठा दो ऊपर। 48 का 80% कंप्लीट हो चुका है। 18% ट्रांसपोर्टेड, सिर्फ 18% ट्रांसपोर्ट हुआ है, 18% क्यों होगा भाई 48 का? मैं तो सारा का ट्रांसपोर्ट कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा होना चाहिए यार। ये 18% बोल रहा है ट्रांसफर हुआ है बस 18%, बाकी का कहाँ गया? फिर सारे लोग मिलके मेरे को पागल बना रहे। ओए ठुकना नहीं इसको भाई। ओके फिर से 100% हो गया भाई के अंदर। अभी तक 21,07,000 नहीं 2,17,000, 12 लीटर अभी भी है। पता नहीं कितनी बार आना पड़ेगा भाई। इसको नहीं चलाना भाई, इसको चला रहा हूँ मैं भाई। इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है भाई, बहुत ज़्यादा। 1 मिलियन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हो चुका है भाई, इतना ज़्यादा हो चुका है कि मेरे को बहुत बार आना पड़ेगा। सूप फैक्ट्री से इधर, इससे सूप फैक्ट्री। एक वाला टैंक भी बहुत कम पड़, ये इतना बड़ा वाला ट्रॉली। और कोई ट्रॉली देखता हो भाई, और कोई ट्रॉली है कि? और कोई अगर खतरनाक ट्रॉली होगी वो भी खरीद लेंगे टेलर्स। ये भाई 20 से 37 ट्रैक्टर में आता है, और मैंने जो खरीदा है ये वाली ट्रॉली है। ये तो उससे भी ज्यादा है, 59.4 m³ का, ये तो सबसे ज्यादा है। और ये भाई साहब ये उससे भी ज्यादा है, तो इसको एक बार देखते हैं, ये उससे भी ज्यादा है, इतना बड़ा है भाई ये वाला ट्रॉली। ये ले लेते हो भाई एक ही बार में, झमेला निपट जाएगा। और इसके लिए एक ट्रक भी ले लेते हैं लीज। इस वाले ट्रक को यहीं रख देते, मैं और एक ट्रक खरीद लेता हूँ। ट्रक्स सबसे पावरफुल वाला तो यही है, इसके अंदर 750 की। ओके चलो ये भी लीज पे ले लिया। ओके चलो ये वाला ट्रैक्टर, इसको भी लेके जाना पड़ेगा। इतना बड़ा ट्रक है फिर भी मैं ये ऐसे करके 2 बार डिलीवरी कर रहा हूँ भाई, 2 बार इसको लेके 2 बार होगा। और इस ट्रक को फिर इसके पास लगा देंगे। इस बार ध्यान से, इस बार नहीं उल्टा ना भाई, इस बार बहुत आराम से चलाऊँगा मैं, आराम से चलाऊँगा गाड़ी। पिछली बार 18% हुआ था, 36% हो जाना चाहिए। अभी कितना हुआ? 37% हुआ, ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, अच्छी बात है। इसको अभी सोयाबीन के खेत के जो ये भर चुका है यहाँ पे रख देते हैं। अभी आदमी इंतज़ार कर रहा है कब कोई बंदा यहाँ पे आएगा, मैं इसके अंदर डाल दूँगा। चलो ओके आ गए भाई यहाँ पे। और ये रहा अपना सबसे बड़ा वाला ट्रेलर भाई। ये ट्रेलर तो खरीद लिया, इसको संभालना बहुत मुश्किल होगा भाई कि इसके देखो ये बहुत बड़ा है, संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इसको। फिर भी देखते भाई क्या होता है। पीछे तो नहीं ले जा सकते भाई इसको, बिल्कुल भी पीछे नहीं ले जा सकते। ओके पहुंच गए फिर से 69 नंबर खेत पे। ये वाला मशीन खड़ा हुआ है, ओपन कवर, इनसे कवर हटाते। ओ भाई वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ओ भाई साहब कवर भी है, मेरे को कवर नहीं लगाना भाई, कवर लगाने की जरूरत नहीं है। डाल दो भाई, इसके पास 2 डब्बे है, डालो यार। और मेरे को बैठना पड़ेगा इसके अंदर। अरे गाड़ी सही से नहीं लगा, आई थिंक थोड़ा और अंदर ले जाना पड़ेगा, फिर आएगा ही नहीं इसके अंदर। ऐसा मत बोलो कि आएगा ही नहीं, आई थिंक नहीं आएगा भाई। अरे यार नहीं आएगा भाई उसके अंदर। ये देखो ये वाला जो ट्रेलर है इसमें सोयाबीन आएगा, ठीक है, लेकिन शुगर बीट भी आएगा। शुगर बीट ही तो है इसके अंदर, नहीं कैरोट है, कैरोट नहीं आएगा भाई, कैरोट नहीं आएगा। अरे कैरोट नहीं आएगा इसके अंदर, गलती होगी भाई, मेरे को देखना चाहिए। अरे रख दो भाई इसको, रहन दो, कहाँ गया? ये लीज पे लिया था ना। अब ये कौन सा ट्रक है? सारे के सारे तो 750 है। इस वाले ट्रक का क्या हाल है भाई? ये भर्ती हो गया। ये कितने वाले खेत का है? बीट रूट, मैं भूल गया भाई सब कुछ। बीट रूट किसका था भाई? शुगर बीट किसका था? 51 का था। 51 का कहाँ? फार्मर्स मार्केट, ठीक है। आगे भाई फार्मर मार्केट ही रहा। ऐसा क्यों लग रहा है मेरी आवाज़ से मैं थक गया हूँ? नहीं भाई मैं थक नहीं गया हूँ, मैं मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। थोड़ा और पीछे जाओ भाई पीछे। ओके रुक जाओ,
ओके 89% सारे के सारे नहीं डाल ले भाई, सारे के सारे नहीं डाल ले, मेरे को बीट रूट बेचना नहीं है अभी। 94 हुआ, थोड़ा और डालो, 96 थोड़ा और, बस कंप्लीट कंप्लीट गाइस कंप्लीट, 0% ट्रांसपोर्टेड, चलो हो गया भाई। अब कितना बचा, 36,883 लीटर अपने पास अपना है, ये पूरा का पूरा बीटरूट अपना है भाई। इसको मैं अपने घर पे लगाऊँ, मैंने घर पे डालूँगा, बाद में बेचूँगा। देखो अभी बीटरूट का जो प्राइस चल रहा है ना, बीटरूट शुगर बीट सॉरी बीट कहाँ है भाई, शुगर बीट पूरा धीरे धीरे चलो, शुगर बीट कहाँ गया, शुगर बीट वो आदमी, शुगर बीट का, शुगर बीट का प्राइस अभी ये चल रहा है ठीक है, और जनवरी में इसका प्राइस 700 तक चला जाएगा समझे। सारे के सारे मेरे जितने भी सब्जी आए हो सारे के सारे मैं जनवरी में बेचूंगा। ये अभी अपने जो जगह है, अपने जो जगह है वहाँ पे डाल दूंगा, आई होप वहाँ पे ये डाल सकता हूँ मैं, वहाँ पे डाल दूंगा। और ये शुगर बीट मैं अपने सुअरों को भी दे सकता हूँ, नहीं शुगर बीट है ना, हाँ शुगर बीट नहीं, आई थिंक शुगरों को, सुअरों को नहीं दे सकता आई थिंक, ये घुसेगा नहीं आई थिंक यहाँ पे, ये बहुत बड़ा घुसेगा नहीं आई थिंक यहाँ पे, घुस जाएगा क्या, घुस जाए तो बढ़िया है, नहीं घुसे तो डाल सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे, पता नहीं। ओके स्टार्ट फिलिंग, अच्छा थोड़ा और आगे, स्टार्ट ओवर लोडिंग, चलो चलो सारा का सारा मैं अपने इसमें जमा कर रहा हूँ, अपने इसको क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है, जो भी हो यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं। कहाँ गया शुगर बीट है 36,082 लीटर, वेरी गुड गाइस, ये है अपनी कमाई का पैसा, मतलब अपनी कमाई समझे। चलो जिस खेत का काम कंप्लीट हो गया उसको क्लेम कर लेते हैं, वरना बाद में पछताएंगे। अच्छा ये कंप्लीट हो गया, $10,000, ओके $10,000 इनकम कंप्लीट, बाकी और भी है आई थिंक इसके अंदर, और भी है, अभी तक सब कुछ नहीं लिया मैं, और भी है इसके अंदर, डालो भाई कितना है तेरे, तुम्हारे अंदर और कितने है, अभी भी इसके अंदर 15,000 लीटर है भाई, इसके अंदर भी 15,000 लीटर है, 15,000 लीटर की 1500 लीटर, 15,606 लीटर अभी भी है भाई, ये भी है भाई साहब, हम लोग ऐसे भी अमीर बन सकते हैं, कोई बात नहीं, वैसे अमीर बनने के लिए नहीं है ये, ये बस अपना जो जगह है उसको भर्ती करने के लिए है, अपना जो ये इतना सारा चीज़ जो बना है अपने इस साइलों को भर्ती करने के, ऐसे ही तो हम बनेंगे अमीर। अमीर कैसे बनते, पैसे हो जाए कि अमीर बन जाए, नहीं अपने पास रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, और मैं बस ये काम इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिसोर्सेज चाहिए। ओके सब कुछ ख़त्म हो गया, इधर का एक कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्ट है जो आई थिंक 48 नंबर पे है, 48। ओके तो मेरा थोबरा गायब हो गया है ठीक है, क्योंकि मेरा थोबरा गायब हो गया है क्योंकि अपना जो वो है ना कैमरा है उसका चार्ज खत्म हो चुका है। ओके तो इस वाले खेत का हो गया 48 का बाकी है, 51 का कंप्लीट हो चुका है, और 48 का जो सामान है जो कैरोट है वो सामने वाले खेत पे, मतलब 69 वाले खेत पे काम शुरू होने वाला है वहाँ पर भी, इसीलिए वहाँ पर काम शुरू होने से पहले उसके वहाँ पर जो गाड़ी है उसके अंदर जो फसल है कैरोट उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये आखिरी बार होगा, मैं इससे पहले और दो बार आ चुका हूँ भाई। ओ नहीं भाई नहीं, अंदर बहुत सारा है भाई, कितना है, 157,612 लीटर, 157,612 लीटर कैरोट अभी भी इसके अंदर है, और कई बार मेरे को आने पड़े। और अपना क्या, ये क्या है 55 सोयाबीन का चल रहा है अभी, शुगर बीट इसका अभी तक शुरू नहीं हुआ, 69 का भी शुरू नहीं हुआ, 48 का बेचना है सूप फैक्ट्री में, भूल जाते हो यार बार बार कहाँ बेचना है, सूप फैक्ट्री में बेचना है, ये है सूप फैक्ट्री। अरे यार ये क्या है, इसके दो ही पहिए हैं। सोयाबीन वाले खेत का बहुत बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर हार्वेस्टिंग अभी तक हुआ नहीं, और ये भाई फिर से भर चुका है, इसको फिर से खाली करना है, लेकिन अभी सोयाबीन वाले खेत का भाई साहब बहुत सा जगह अभी तक बाकी है सोयाबीन वाले खेत का। सोयाबीन वाला खेत देखते देखते भाई मैं कहीं और घुस गया, वो गाड़ी ध्यान से देख के ठुकना नहीं इस बार भी ध्यान से भाई, ये नीचे है ज़मीन से थोड़ा, तीसरी ट्रॉली है और भी मेरे को कई बार आने पड़ेंगे। 38% तो पिछली बार, 37% हो गया था पिछली बार, इस बार देखते कितना होता है कि कितना हो गया। 90% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ और 56%
डिलीवरी कंप्लीट हुआ है, उसके बाहर कैसे निकाले भाई, यही तो खराब बात है। बट मेरे को आता है भाई ट्रक चलाना। जाते जाते सोयाबीन वाली ट्रैक्टर का थोड़ा और ज़्यादा भरा लेते हैं कंटेनर में। कितना हुआ भाई? 30% ही हुआ है भाई इसके अंदर, बस इस 30% ही हुआ है भाई सोयाबीन, आधे खेत से बस 30%। 30% तो 18,000 लीटर सोयाबीन। डाल दो भाई इसके अंदर। मेरे को फिर से 69 वाले खेत पे जाना है, वहाँ से और ज़्यादा कैरोट लेके आना है। पता नहीं कैरोट का सिलसिला कब तक चलेगा भाई। ऐसे ऐसे करके 4 बार मैं देके आ गया भाई कैरोट, और कितनी बार आनी है मेरे को नहीं पता भाई। भाई इस बार प्लीज़ सारा का सारा डाल दो भाई कैरेट इसके अंदर, और नहीं आना भाई मेरे को। थोड़ा सा भी बचा हुआ है, अभी भी 98,000 लीटर बाकी है। 982,000 नहीं, 98,000 लीटर, समझ रहे हो, 98,000 लीटर अभी भी बाकी है। ये 5वीं बार आ रहा हूँ मैं यहाँ पे कैरोट डालने। इस बार आई थिंक फुल हो जाना चाहिए, अगर इस बार फुल हो जाए तो वो 98,000 लीटर मेरा हो जाएगा। इस बार भी फुल नहीं होगा, मतलब इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। जो कितना हुआ, ओके 74% हो चुका है ट्रांसपोर्ट। 74 18 कितना होता है, 74 प्लस 18, और 2 बार लाने पड़ेंगे, आने पड़ेंगे, और 2 बार, 2 बार नहीं हो सकता, 1 बार ही आना पड़े। डालो 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 भाई, आने के साथ साथ ये भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तब तो देखा था 98,000 लीटर, अभी कितना लीटर है वो, कभी 38,000 लीटर, 38,812 लीटर, 38,000 लीटर अभी भी है मेरे को। आई थिंक 38,000 अगर मिल जाए ना, मैं तो माला माल हो जाऊंगा भाई। $38,000 अगर मेरे को मिल जाए। और मैं ये फिर से कैरोट देने आ रहा हूँ भाई। यार ये क्या था, 6वीं बार, हो सकता आखिरी बार, लेकिन 6वीं बार। भगवान के नाम पे इस बार हो जाइयो बाबा। अगर इस बार हो गया है भाई, मैं बहुत बहुत पैसे कमाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा कैरोट आएंगे मेरे भाग में। यही होता है हार्वेस्टिंग का फ़ायदा। ओके सारे डाल दिए, अब इधर सारे डाले नहीं, डाल रहा। अब 1% 2% हो चुका है, आई थिंक 93% हो चुका है भाई। अभी भी 7% बाकी है, ठीक है ठीक है, 7% अभी बाकी है, कोई बात नहीं। 7% बहुत होते हैं भाई, मतलब 7% उतने भी नहीं होते, थोड़े से ही होते हैं। अरे जा बे। तो आई थिंक ये आखिरी बार मैं ले रहा हूँ कैरोट अपने 69 खेत के मशीन से, जो यहाँ पे अभी भी काम पे लगने वाले सारे के सारे आ गए। ओके आ गए, अभी देखते मशीन में कितना बचा हुआ है। वो भाई पूरा नहीं भरा, 38,000 लीटर पूरा मेरे अंदर आ गया भाई, मेरे अंदर मतलब मेरे ट्रक के अंदर आ गया भाई। 38,000 लीटर की 3,000 लीटर नहीं, 38,000 लीटर भाई, पूरा 38,000 नहीं देने वाला मैं, इस 38,000 में मेरा भी भाग होगा, ठीक है। अभी इस मशीन को एक काम करके चालू कर देते हैं, चालू कर लगा दो हेल्पर, बहुत अच्छी तरीके से सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर सारे के सारे कैरोट काट देगा। और मैं ये आखिरी डिलीवरी करता हूँ, मतलब आखिरी बार। इस वाले खेत का काम आई थिंक कंप्लीट हो चुका है भाई, ये जो सोयाबीन वाले खेत था आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। ये देखो ये खड़ा हो गया है यहाँ पे, नहीं इसका भर गया है, इसका डाला भर गया है, मेरे को फिर से खाली करना पड़ेगा, फिर जाके ये कंप्लीट। अरे यार बिजली भी चली गई भाई साहब, कार में और कितना गलत चीज़ें होगा मेरे साथ। बिजली चली गई भाई, पता नहीं कब तक आएगी बिजली। आ जा भाई बिजली, मत जा प्लीज़, मत जा बिजली, आ जा बिजली आ जा। मेरा कैमरा का बैटरी ख़त्म हो गया, ये बिजली भी चली जाएगी, चली गई, मेरा बैटरी पे चल रहा है अभी सब कुछ, बैटरी ज़्यादा देर तक फैन नहीं कर सकता। ओके आखिरी बार, इस बार फूंक फूंक के डालेंगे, बस नीचे उतारो। ओके 94 हो गया, बस 95 थोड़ा और, 96 थोड़ा और, हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट, हो गया 28,000 डॉलर अभी मेरा, 28,000 डॉलर बोला, 28,000 लीटर, 28,000 लीटर भाई, 28,000 लीटर
भाई खत्म हो रहा है भाई, खत्म हो रहा है क्योंकि बिजली आ गई भाई। और ये 28,872 लीटर सिर्फ इतना ही नहीं, और भी ज़्यादा होगा हमारा क्योंकि और एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। वैसे अभी तो ये हमारा ही है। वाले इतने बड़े वाले खेत के काम का क्या हुआ अभी? अभी ये कंप्लीट होने वाला है सोयाबीन का फसल। ये बीच का बहुत जगह पर ये रह गया भाई, ये थोड़ा थोड़ा करके कुछ डिजाइन टाइप का बना है भाई इधर इधर। सोयाबीन देखने पता नहीं कैसा लग रहा है। सोयाबीन का फसल भी हमारा होगा भाई। ये बीच में एक एक छोटा छोटा आकृति करके ये देखो इस तरह, इसीलिए ये रह गया भाई। ये देखो ये बहुत पीछे आ गया भाई। भाई तू यार ये सब्जियाँ ख़राब मत कर। अभी जितने भी कैरोट बच गए सारे के सारे कैरोट जाएंगे अपने खुद के साइलो में। की प्राइस अभी सही नहीं चल रही है ठीक है, कैरोट की अभी हार्वेस्टिंग का समय, लेकिन इसका प्राइस सबसे ज़्यादा होगा कब जानते हो? कैरोट का प्राइस सबसे ज़्यादा होगा, अभी तो सादा प्राइस नहीं चल रहा है, जनवरी में सबसे ज़्यादा प्राइस होगा कैरोट का। ये देखो 525 की पर लीटर, पता नहीं हो सकता है पर लीटर 525 हो। पर लीटर अगर 525 हुए ना तो नहीं, पर लीटर 525 नहीं होगा कोई यहाँ पर नहीं आता। अरे भाई साहब ये क्या कहते हैं इसको, ये नहीं होता भाई साइलो में कैरोट नहीं आता। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ही रख देते इसको, ट्रेलर को लीज पे लिया हुआ ट्रेलर है, कोई बात नहीं हम इसको यहीं पर ही रख देते। इसका आई थिंक हो गया है काम, नहीं थोड़ा सा बाकी है अभी। वो 28,000 जो बच गया है ना वो हमारा नहीं होगा, क्यों उसमें नहीं आता भाई, उसमें नहीं आता। इधर का क्यों नहीं किया भाई, देखो इधर का नहीं, बहुत जगह ये बचा रहा है भाई, क्यों बचा रहा है मेरे को भी नहीं पता। चल भाई डालते जाओ। वेरी गुड, ऐसे काम होने चाहिए। एक लॉरी इधर, ये एक भरने वाला ट्रक इधर चलेगा और एक काटने वाला ट्रक उधर। ओके इसका आई थिंक, अरे कहाँ फेंक रहा है, फेंक भाई सारे के सारे इसके अंदर फेंक। अरे कहाँ जा रहे, ख़त्म हो गया भाई इसका, ओए कहाँ घुस रहा है। हो गया भाई ये हार्वेस्ट करना, हो गया पूरा खेत। ये पता नहीं फिर कहाँ घुस रहा है भाई। हो गया भाई हार्वेस्ट करना, और कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा भी नहीं है। कोई बात नहीं, बीच का जो बचा हुआ है, बचा भी हुआ है क्या बीच का, या फिर बचा नहीं है? ये वो है डिज़ाइन है, बचा नहीं है कुछ भी। चलो ये काम हो गया पूरा, अभी बस इसको डिलीवरी करना है। सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट कौन का था, किसका था? ग्रेन मिल में डालना है, 55 ग्रेन मिल, ठीक है। ये फार्मर्स मार्केट है, यहाँ पर नहीं है। ग्रेन मिल किधर है? ये यहाँ पर है, अच्छा ये रहा ग्रेन मिल। चलो टैग हो गया पूरा 57,290 लीटर इस खेत से, इतना ही निकला 57,290 लीटर। भगा 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 भगा, ये डिज़ाइन है भाई, यहाँ पर बचा नहीं है, बस डिज़ाइन बनाया इसने। ये पूरा का पूरा नहीं डालना है भाई, 80% कम्प्लीट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, बस ये डालने से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा नहीं डालेंगे, इसमें से कुछ हम भी रखेंगे अपने खुद के पास, वरना ये काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। फटी हार्वेस्टर का काम, हार्वेस्टिंग का काम इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे अपने पास भी कुछ सामान बचते हैं काम करने के बाद, तभी तो खुशी मिलेगा ना। अगर सारे के सारे हार्वेस्ट करके अगर मालिक को दे दी, इसमें खुशी कहाँ है? खुशी कहीं पर भी नहीं है। जो लग रहा है कि इसके अंदर घुसेगा क्या इतने बड़ा ट्रक, घुस जाएगा तो ओके भाई, घुस के रह भी जाएगा बहुत ज़्यादा। ओके धीरे धीरे डालना है ठीक है, बंद कर दो। 14% हुआ है, 46% हुआ है, बस थोड़ा और, ज़्यादा नहीं मिले, 1,000-2,000 लीटर ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ज़्यादा उम्मीद मत रखो। 10,000 लीटर मिल जाए तो भी सही है, 10,000 लीटर भी नहीं मिलेगा, 5,000 लीटर भी नहीं मिलेगा भाई। चलो 3,700 लीटर मिले भाई, 500 लीटर मिले बस, 500 लीटर, 3,784 लीटर मिले बस। ओके कंप्लीट हो गया भाई हार्वेस्टिंग का काम। ओके दोनों हो गए भाई, फील्ड नंबर 14, फील्ड नंबर 15, बाकी ये दोनों है, ये दोनों सेम ही है, शुगर बीट और कैरोट का। और इन दोनों को मैं ऑफलाइन में कंप्लीट कर लूँगा इसके साथ। गाइस वीडियो को भी रुक जाओ, ये बस अपने यहाँ पे डाल देते हैं भाई। बहुत सारे पैसे कमा लिए भाई हमने,
ये थोड़ा सा जो बचा 6% 3784 लीटर, ज़्यादा वैसे भी इस वाले खेत में ज़्यादा हुआ नहीं है। कैरोट के लिए उतना ज़्यादा मिला, 28,000 लीटर मिले, ये इसका कारण है क्योंकि कैरोट बहुत ज़्यादा उगे थे भाई, कैरोट खुद ही बहुत ज़्यादा उगा था इसलिए उसका 28,000 लीटर मिले, क्योंकि लेकिन ये तो बहुत कम उगा है, ये बस 56,000 लीटर करके कुछ उगाया था इसलिए इतना कम मिला। फिर भी इतना कम नहीं, अगर इस वाले टेलर में, इस वाले टेलर की वजह से कम लग रहा है, ये वाला टेलर बहुत बड़ा है और इस बड़े टेलर की वजह से लग रहा है कि भाई मेरे को बहुत कम मिला, लेकिन जो भी मिला इसमें खुश हो जाना चाहिए। वैसे सोयाबीन का प्राइस भी अभी कुछ सही नहीं चल रहा है, सोयाबीन का प्राइस कब अच्छा रहेगा, सोयाबीन का प्राइस, सोयाबीन तो ये रहा, सोयाबीन का प्राइस सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है जुलाई के महीने में, तो हम लोग जुलाई के महीने में करीब 6,000 डॉलर करके मिलते हैं भाई सोयाबीन के, समझ रहे हो, सोयाबीन तो आ जाएगा भाई, सोयाबीन आ जाएगा। तो कैरोट आ गया, सोयाबीन आ गया, शुगर बीट भी आ गया, तो तीनों चीज़ें आ गई भाई। उम्मीद है तुम लोग इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, अपना स्पेशल बंदे को काम, तीनों काम कॉन्ट्रैक्ट लिए, तीनों बढ़िया तरीके से हो गए, सारे पैसे कमा लिए, हमको कुछ मिल भी गए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।